की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। एडवांस अकाउंटिंग की क्लास में हम प्राइस लेवल लिस्ट पे काम कर रहे हैं और एक्विटी वन हमारा हो चुका था, आज एक्विटी टू भी काम करेंगे। और अभी तक हमने होल सेलर के लिए प्राइस लिस्ट डिसाइड किया था और आज हम किसके लिए करेंगे? डीलर के लिए करेंगे। किसके लिए करेंगे? डीलर के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पे आपको। अब चूंकि यहाँ पे देखिए, ये जो यहाँ कैटेगराइज किया गया है, यहाँ दोनों है, सर्फ एक्सेल और एरियल। वहाँ सिंगल सिंगल देते तो आराम से हम लोग बना देते। अब पैटर्न क्या होगा, आप आ जाएंगे क्रिएट पे। क्रिएट पे आने के बाद आपको आना होगा कहाँ पे, प्राइस लिस्ट स्टॉक ग्रुप पे। यहाँ पर होता ना ऑल आइटम लेते हैं, यहाँ पर आप ले लीजिएगा वाशिंग पाउडर, ले लीजिएगा वाशिंग पाउडर, और यहाँ ले लीजिएगा क्या, ठीक है। अब यहाँ से आप लेके करके बनाइएगा। क्या है पहला, पहला है इसमें देखिए क्या दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है सर्फ एक्सेल मैटिक टॉप लोड पाउडर, मैटिक टॉप लोड, सर्फ एक्सेल मैटिक टॉप लोड पाउडर। ठीक है, पहले है 100% डिस्काउंट। रेट क्या दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है आपका 180 दिया हुआ है, 180 और 0% डिस्काउंट। दूसरा है 100 से 200 के बीच में, रेट क्या रहेगा 180 और डिस्काउंट क्या दे रहे हैं 3%। और 200 से लेके, 200 से लेकर एवप है ना, ऐसे छोड़ दीजिए, 200 से एवप कितना है रेट 180 है, 5% डिस्काउंट। ठीक है, सर्फ एक्सेल हो गया। उसके बाद क्या दिया है, सर्फ एक्सेल मैटिक फ्रंट है, फ्रंट वाला ले लीजिए। यहाँ भी वही 100, रेट क्या है, रेट है 230, क्या है 230, 0%, 230, 3%, और यहाँ पे 230 हो गया। तो अब एरियल वाला काम करेंगे, एरियल टॉप लोड पाउडर 100, रेट क्या है टॉप लोड पाउडर 190, 190, 0%, 190, 3% और 190, और लास्ट है आपका फ्रंट रेट, रेट क्या है 240, 240, 0%, 1%, हो गया। अब इंटरटेनर के क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट। देखिए यहाँ पे पिछली बार हम लोग ऑल आइटम ले रहे थे, लेकिन इस बार वाशिंग पाउडर लेना है। ध्यान दीजिएगा आपकी स्क्रीन शॉट में भी लगाया गया, इसीलिए यहाँ पे देखिए वाशिंग पाउडर ही आ रहा है और प्राइस लेवल में डीलर के अंतर्गत। ठीक है, यही काम करना है आज आपको। हाँ ठीक है, क्या होते हैं, हाँ क्या है, क्या होगा, क्या अपन को इसको लगा लगा पता नहीं वो लगाया नहीं क्या, नहीं बता, छोड़ो बाद में बता, बाद नहीं बता, क्या हुआ बताइए नहीं पूछिए। बता, नहीं बता, 100 से 200, देखो 100 मतलब अगर आप 100 kg तक लेते हैं, 100 kg तक या उससे नीचे जो भी है, तो आपको 180 रुपये दाम पर रेट पड़ेगा। अब सुनिएगा ध्यान से, क्वेश्चन में ही कहा है कि अगर आप ये जो भी आइटम का नाम है, ये आइटम अगर 100 kg तक लेते हैं तो उसका रेट कितना पड़ेगा, 180 रुपये पड़ेगा और आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर 100 kg से लेके 200 kg के बीच में लेते हैं तो अमाउंट में कोई चेंज नहीं आएगी, 180 रुपये देना पड़ेगा पर पीस, पर केजी का, लेकिन आपको 3% का डिस्काउंट मिलेगा। तो समझे नहीं है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, देखिए 100 से नीचे कहा है और यहाँ 100 से लेके, 100 ले लिए ना तो 100 आ गया तो 3% आपको हो जाएगा। यहाँ क्या कहा है, फ्रॉम 0 से लेस देन, यानी 100 से नीचे रहना चाहिए, यानी
यहाँ 100 से नीचे लेस देन लिखा हुआ है यहाँ पे, नहीं 100 से बिलो है, समझ रहे हो? और यहाँ क्या है? हाँ इक्वल तो नहीं है, बिलो है। यहाँ देखो फ्रॉम है, यानी 100 से, यानी 100 हुआ तक और 200 से नीचे, यानी 199 तक, 199 तक आपको कितना मिलेगा? 3%। और वही फिर 200 से लेके कितना भी जाइए तो 5%, समझ में आ गई बात ना? और इसको क्या करेंगे, इंटरेस्ट करके एक्सेप्ट करेंगे, यही काम करता है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आइए, ये काम हो गया ना हम लोग का, हो गया। अगला फिर से दिया हुआ है सब स्टॉक में आपका, ये है आपका रिटेलर के लिए, किसके लिए? रिटेलर के लिए प्राइस रिसी क्लियर करना है रिटेलर के लिए, तो वही नॉर्मल तरीका तो आपको पता ही है ना, वही स्टॉक ग्रुप में आ गए, यहाँ क्या ले लेंगे, देखिए क्या किया है रिटेलर के लिए, वाशिंग पाउडर ही रहेगा, स्टॉक ग्रुप नेम क्या रहेगा, आइटम नहीं रहेगा, यहाँ पे वहां भी क्या रहेगा, वाशिंग पाउडर ही रहेगा। और यहाँ क्या कर लेंगे, होलसेलर हो गया, हाँ डीलर हो गया, क्या बारी है रिटेलर की, तो वही वाशिंग पाउडर और रिटेलर, तो एक एक करके ले लेंगे। इसका भी क्या दिया हुआ है, पहले दिया हुआ है सर्फ एक्सेल मैटिक टॉप लोड पाउडर, मैटिक टॉप लोड पाउडर, तो मतलब ये क्या है, सो रेट क्या रहने वाला है, 200, बस 200, 200 डिस्काउंट 0%, 100 से 200 केजी के बीच में रहेगा तो 200, 3% डिस्काउंट, और 100 से एबव रहे, 200 से एबव रहेगा तो भी 200 ही, और डिस्काउंट कितना रहा है 5%। चलो सर्फ एक्सेल हो गया, अब फ्रंट लोडर, इसमें भी 100, रेट क्या है 250, डिस्काउंट 0%, 100 से 200, 250 के रेट से 3% डिस्काउंट, और यहाँ पे 250 ही 5% डिस्काउंट। अगला बताइए एरियल टॉप लोड पाउडर, एरियल टॉप लोड पाउडर, हेलो, हाँ क्या कौन बोल रहे हो, हाँ अच्छा ठीक है, सौ यहाँ पे 210 है, 0% डिस्काउंट, 210 3% डिस्काउंट, और इंटर 210, और एक ही बचा फ्रंट लोड पाउडर वाला, कितना रेट है 260, 0% 200 के बीच में, 260 साठी 3% और इंटर 260 5, बस इंटर करके, यानी कि हमने क्या क्या बना लिया, अरे यार आने के लिए क्या गलती हो जाती है। अब देखिए ध्यान से अल्टर में आइए, यहाँ पर देख लीजिए किसका देखना चाहते हैं, वॉशिंग पाउडर इसका रिटेलर लास्ट में क्या बोला, रिटेलर होना है ना लास्ट में, देखिए ये बना दिया आपने जो इसने कहा है, अभी और भी उसमें था ना, सब हो गया था, सब हो गया ना, ये देख सकते हैं, ये मैच करा लीजिए, कोई स्क्रीनशॉट लगाया गया है और हमारा भी स्क्रीनशॉट यहाँ मौजूद है, यही वाला सेम टू सेम मैच करेगा आपका, और यहाँ तक हमने काम कर लिया, ठीक है, यानी कि कल सैटरडे को हम लोग पढ़े थे सिर्फ होलसेलर के लिए बनाए थे, अब से उठिए वहां से, उठिए वहां से, आगे जगह पप्पू जगह दो, आगे आगे आगे, आईडी कार्ड कहाँ है, पहनी आईडी कार्ड, विकास आईडी कार्ड पहनो बाबू, क्यों पढ़ाई भी नहीं कर रहे हैं रात रात तक, क्यों क्या चेंज कर रहा है, हाँ चलिए कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक, चलिए उसके बाद से क्या कह रहा है सुनिएगा ध्यान से, कह रहा है इन टैली प्राइम वंस द प्राइस लेवल एंड द प्राइस लिस्ट आर डिफाइंड, यानी टैली प्राइम में यदि आपने एक बार उसका लेवल और प्राइस क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया, तो देन व्हाइल रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन द प्राइस एंड द डिस्काउंट डिटेल विल गेट कैप्चर ऑटोमेटिकली
एंड द इंफॉर्मेशन विल बी एक्यूरेट एज पर प्राइस लिस्ट। कह रहे जैसे ही आपने इसको डिफाइन किया, डिफाइन करने के बाद से ऑटोमेटिकली ये चीजें कैप्चर हो जाएंगी, आपका डिस्काउंट वाला जो सेक्शन है वो ऑटोमेटिकली चीजों पे क्या हो जाएगा, अप्लाई होने लगेगा जिस क्वांटिटी के हिसाब से आप कोई चीजें करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपने दे रखा है क्वांटिटी उसमें। कह रहा है 1.6.3 में दिया हुआ है प्राइस लेवल एंड प्राइस लिस्ट यूजेस इन सेल्स वाउचर में करेंगे, कैसे करेंगे, चलिए रजिस्ट्रेशन रिकॉर्डिंग ऑफ सेल्स वाउचर बाय यूजिंग प्राइस लिस्ट लेवल, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एज ऑन 1 अप्रैल 2020 श्री देवी इंटरनेशनल सोल्ड फॉलोइंग स्टॉक आइटम टू साई होलसेलर, पार्टी का क्या नाम है, साई होलसेलर, तो होलसेलर, ठीक है, आप सुनिएगा मेरी कहां जाते, होलसेलर है वो अलग चीज है, सेपरेट रखिए, साई क्या है, साई होलसेलर एक पार्टी का नाम है, क्या है, हमारा कस्टमर है कि सप्लायर है, हाँ सामान बेच रहे हो तो सप्लायर हो गया, तो बेच रहे हैं सामान तो हमारा क्या हो गया, कस्टमर हो गया, यानी कि हम एक लेजर बनाएंगे किस नाम से, साई, वो तो बनाएंगे, उससे पहले क्या कह रहा है, क्या क्या क्रिएट करना है, कह रहा है गेटवे ऑफ टैली का ये सिलेक्ट अंडर अकाउंटिंग मास्टर में लेजर क्रिएट करिए और ये 12 से यूज प्राइस लेवल पार्टी लेजर क्या कर दिए, यस कर दिए, यानी सबसे पहले कहां आएंगे, क्रिएट पे, अकाउंटिंग मास्टर लेजर पे, और यहां F12 दबा के किस ऑप्शन को, सारे को पहले यस कर लीजिएगा ताकि सारा ऑप्शन देखेगा, और किस ऑप्शन को यस करने के लिए कह रहा है, यूज प्राइस लेवल पार्ट फॉर पार्टी लेजर, यस, ठीक है, कर दिया हुआ ये वाला, ठीक है, या दिया हुआ यूज प्राइस लेवल फॉर पार्टी लेजर, क्या कर देंगे, यस कंट्रोल इसे, बस अब क्या कह रहा है, उसके बाद से क्या कहने के लिए कह रहा है, अब सब फिर सेटिंग हो गई, कॉन्फ़िगरेशन डन हो गया हमारा, उसके बाद कह रहा है कि आपको साई होलसेलर का एक वो बनाना है और लेजर, और उसका अंडर को क्या रखना है, संडे डेप्ट रखना है, ठीक है, मेंटेन बिल वाइज को यस रखना है, बाकी सारी चीजें आप जानते हैं, उसका पैन नंबर यहाँ मेंशन किया गया, तो एक लेजर बना लीजिए किस नाम से, साई क्या होल क्या सेलर, अच्छा अंडरकूप क्या होगा, सन्ड्री डेबिटर, सन्ड्री डेबिटर होगा, और पूछेगा प्राइस लेवल अप्लीकेबल किस लिए बना रहा है, तो नाम से पता चल जाएगा क्या है आपका, होलसेलर है ना, तो क्या ले लेंगे, सिलेक्ट प्राइस लेवल में क्या ले लेंगे, होलसेलर ले लेंगे, सेम सेम दिया हुआ सारा चीज, यहाँ क्या ले लेंगे, होलसेलर, मेंटेन बिल भाई यस रहेगा, और इसको एंटर करेंगे और इसका पैन नंबर डाल देंगे, पैन नंबर क्या दिया हुआ है, पैन नंबर दिया हुआ है AWECT 8978W 8978W, इंटर, बन गया लेजर भी, बन गया हमारा लेजर, बन के तैयार हो गया हमारा, लेकिन इसे हिंट दिया हुआ है, ठीक है, अब क्या कह रहा है सुनिएगा, नोट यू मे वांट टू असाइन ए प्राइस लिस्ट टू ए स्पेसिफिक पार्टी लेजर ऑल्दो द प्राइस लिस्ट एप्लीकेबल ओनली फॉर द सेल्स, टैली प्राइम प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी टू सिलेक्ट प्राइस लिस्ट फॉर बोथ ग्रुप एज पार्टी सप्लाइंग ऑफ गुड्स यानी सेंट्री क्रिएटर या सन्डरी डेप्टर दोनों के लिए, यू कैन असाइन द प्राइस लेवल फॉर द लेजर ग्रुप अंडर सेंट्री डेप्टर और सन्डरी क्रिएटर दोनों के लिए कर सकते हैं, क्या कह रहा है सुनिएगा, रिगार्डिंग द सेल इनवाइस गेटवे ऑफ टैली जाना है, सेल्स वाउचर में जाना है या F11 से इन्वेंटरी वाउचर है, यूज डिस्काउंट कॉलम इनवाइस को यस कर लेना है, इनवाइस का आप लोग सिंपल में पढ़े थे ना बेसिक वाले में, वही सेम काम करना है, चलिए या फिर से सेल्स वाउचर पहले स्क्रिप्ट से पीछे आए वाउचर में आ गए और या फिर से सेल्स वाउचर पे आ गए, या फिर सेल्स वाउचर खुल गया कहीं यहाँ पे उसका नाम आ रहा है डिस्काउंट का, देखिए तो कहीं डिस्काउंट का सेक्शन खुल रहा है, कहीं डिस्काउंट का सेक्शन हो गया भाई, कितना पूछे अभी नहीं खुल रहा है, हाँ पता है, उसके बाद क्या करेंगे उसके लिए F11 प्रेस करेंगे, क्या करेंगे F11, उससे आप क्या कर सकते हैं उस फीचर को इनेबल कर सकते हैं, सीधा सीधा एक ऑप्शन दिया हुआ है यू डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, इसको क्या कर लेंगे, यस और कंट्रोल ये एक्सेप्ट, अब आपका एक नया आ जाएगा सेक्शन इस नाम से डिस्काउंट पर, अब क्या कह रहा है 6 मई को डेट रिकॉर्ड करना है साई होलसेलर, चलिए
पढ़ो। पार्टी का नाम क्या रहेगा? साई होलसेलर। अच्छा सिक्स लीजर में क्या रहेगा? क्या रहेगा? जैसे पर्चेज में पर्चेज अकाउंट है, वैसे सेल्स में सेल्स अकाउंट होगा। अब देखिए क्या कह रहा है, इसमें पार्टी डीड हो गया, सेल्स लीजर में सेल्स का रहेगा, और आइटम में क्या ले लेंगे? सब एक्सेल मैटिक फंड टोटल। सर एक्सेल मैट्रिक फंड टोटल, लोकेशन क्या दिया हुआ है? पडरौना। क्या दिया है? लोकल का क्या दिया है? पडरौना ही तो दिया हुआ है। कहाँ पे? किस पडरौना दिया हुआ है? कहीं हर चीज अलग, आप गलत बोल रहे हैं। हाँ तो कहाँ दिया, कहाँ देख रहे हैं आप? दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं क्या? यहाँ तो पडरौना ही दिया हुआ है, पटोना ही है। कहाँ देख रहे हैं? अरे भाई सर एक्शन के लिए क्या दिया है? मैट्रिक फंड का। हाँ सही कह रहा है, यहाँ पे गोरखपुर दिया हुआ है। क्या किया है? चलो कोई बात नहीं सर, गोरखपुर और एरियल का पटोना, लेकिन एरियल के लिए गोरखपुर बनाया था, सर एक्शन के लिए पटोना था। एरियल के हम लोगों को बनाया था, इसमें उल्टा हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, नीचे वाला भी सही है। तो हम लोग सर्फेक्शन के लिए पटोना ले लेते हैं, पटोना ठीक है। बैच नंबर कौन सा लेना है पटोना के लिए? इसके लिए बैच 003 लेना है सर्फेक्शन के लिए, बैच 003। क्वांटिटी कितनी लेनी है? 115 है ना, 115। रेट कितना लेना है? अपने आप ले लिया, देखिए ले लिया अपने आप, इंटर एक्सेप्ट कर। दूसरा क्या लेना है? एरियल। एरियल क्या है? मैट्रिक टॉप है कि फ्रंट है? टॉप है, तो एरियल मैट्रिक टॉप लो पाउडर, लोकेशन गोरखपुर। बैच नंबर 008 है। अरे भाई लॉजिकली हम लोग बनाए थे एरियल गोरखपुर के लिए बना था, ट्रांसपोर्ट नगर के लिए, याद करिए। तो मिसप्रिंट हो गया है, परेशान क्यों है? ठीक है हाँ, पडरौना सब पिक्चर पडरौना था और एरियल गोरखपुर था, और 008 ले लिया। क्वांटिटी कितनी है इसकी? क्वांटिटी है 150 170 के, अपने आप ले लेगा। जैसे 150 डालेंगे यहाँ पे ना, तो अपने आप 170 ले लेगा डिस्काउंट। हाँ अच्छा ठीक, 100 से नीचे कहा है ना, इसमें कहा देगा? 100 डालेंगे 100 में आ जाएगा, अभी जस्ट बोला हूँ आपसे। अरे भाई वहां लेस देन लिखा हुआ था, 100 से लेस देन यानी 99 लेगा तो नहीं लेंगे। देखिए यहाँ पे 99 डालिए ना, यहाँ पे क्वेश्चन में हमने क्या लगाया है? देखिए नहीं लगेगा, लेस देन 100 लगा हुआ है ना, क्वेश्चन में क्या लगाया है अभी को? वहां 100 लिखे हैं तो 100 से नीचे मांगा है, अब फ्रॉम जहां लगाए वहां 100 से लेकर यानी 100 भी इंक्लूड है, यानी 100 भी हो जाएगा तो 3% डिस्काउंट देना है। समझ में आ गई बात ना? कितना था? 150 था। समझ में आ गया क्या कह रहा हूँ बाबू? 150 बस, इसको क्या करेंगे? एक्सेप्ट कर देंगे। ओके कर लेंगे ये वाला क्वेश्चन, राउंडअप भी दिया था, कोई बात नहीं। क्या दबा देंगे? पेज अप बटन दबा दीजिए, राउंडअप था तो राउंडअप लगा दिया जाएगा, राउंडअप लगा दीजिए। अल्ट सीकर के क्या बना दिया जाए? राउंड अप। अब चूंकि राउंडअप जोड़ता और घटाता दोनों करता है, लेकिन इसका नेचर क्या होता है? इनडायरेक्ट, सॉरी यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्या होता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और यहाँ पर लिएगा इनवाइस राउंडिंग, ताकि आपको जोड़ना घटाना ना पड़े, अपने आप को कर लेगा। ठीक है नॉर्मल राउंडिंग हो, ठीक है। देखो अपने आप ले लिया 48161 सही है, देखिए मैच करा लीजिए। सही है ना, 48161 सही है, और उसको क्या कर लेंगे? एक्सेप्ट कर लेंगे, हो गया ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
ये बस ऑब्जर्वेशन पढ़ लीजिए, कह रहा है इन सेल्स इनवाइस एज सून फिगर 1.55 वी कैन ऑब्जर्व द रेट एंड डिस्काउंट अपीयर ऑटोमेटिकली। आपने देखा कि जैसे ही हमने आइटम लिया और जैसे ही क्वांटिटी उसका लिया, अपने आप क्वांटिटी लेने के बाद उसका क्या अमाउंट है, रेट क्या है और कितना डिस्काउंट है, अपने आप अपीयर हो गया, प्रदर्शित हो गया सामने आ गया। हमने सिर्फ क्या लिया, क्वांटिटी लिया था ना, अपने आप उसका पर केजी का रेट क्या है प्लस कितना परसेंट डिस्काउंट देना है, क्यों, क्योंकि पहले से हमने डिफाइन कर रखा है, इसीलिए आ गया अपीयर हो गया। कह रहे दिस बिकॉज वी हैव डिफाइंड द प्राइस लिस्ट डिटेल फॉर ऑल सेल्स आइटम। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने पहले से ही सारे आइटम के लिए क्या कर रखा है, प्राइस लेवल क्या कर सकता है रखा है, डिसाइड कर रखा है, यही बात क्या है, क्लासिफाइड कर रखा है। कहले टेली प्राइम प्रोवाइड यू विद द फ्लेक्सिबिलिटी टू सेलेक्ट द आइटम विद और विदाउट द प्राइस लिस्ट द सेम इनवॉइस एक्टिविटी। एक दिया हुआ है रिसिप्ट वाउचर में, क्या हुआ है, यहाँ पैसा आ रहा है, वही पैसा जो अभी हम सामान बेचे हैं उधार गया है, पार्टी का नाम आया था ना, कैश का जिक्र हुआ नहीं, यानी उधार बेचे थे, पैसा आएगा ना, हम जब सामान बेचे तो पैसा हमारे पास आएगा, यानी किस वाउचर में एंट्री करेंगे, रिसिप्ट वाउचर में, और उसी बिल नंबर से पैसा ले लिया जाए। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, पैसा रिसीव कर लिया जाए, आ जाइए किस वाउचर में, जब सिक्स से रिसिप्ट वाउचर, देने वाला कौन होगा, साई, साई होलसेलर, कितना अमाउंट अगेन इसमें बिल नंबर इसी से, और क्या दे रहा है, कैश दे रहा है, चेक दे रहा है, देखिए वेज आईसीआई चेक, यानी किस बैंक का नाम आएगा, आईसीआई बैंक का, अल्ट सी करके क्या बना लेंगे, आईसीआईसीआई बैंक। अच्छा ये बात करिए, यहाँ कोई चीज बताया नहीं गया, इसके बारे में डिटेल नहीं दिया गया, जाहिर सी बात है इसका अंडर बुक क्या होगा, बैंक अकाउंट होगा, क्योंकि लोन वाला बैंक ओडी तो होगा नहीं, बैंक अकाउंट, बस हो गया, कोई दिक्कत, इंटर करेंगे, चेक नंबर दिया हुआ, चेक नंबर डाल दीजिएगा, चेक नंबर दिया है, क्या दिया हुआ है, 6403, 6, यही करना है, कहाँ पे, जानती हैं, अच्छा एक बात बताइए, जब चेक उस बैंक का है, या तो क्वेश्चन में ही आना चाहिए था, कि आईसीआई बैंक का चेक है या कोटक में डिपॉजिट हो जा रहा है, ये देना चाहिए था, आप बताइए क्वेश्चन जो दिया हो उसके मुताबिक भाई उसमें कोटक का जिक्र है, कोई बात नहीं, अगर कोटक दिया है तो बैलेंस बाद में दिक्कत आ सकता है, तो काम करिए पीजअप करके उसको मॉडिफाई कर लीजिए, क्या करिए, जो आईसीआई है उसको क्या कर लीजिए, कोटक कर लीजिए, और आप फाइल में चेंज कर लीजिए, जो आईसीआई बैंक का चेक है उसको कोटक कर लीजिए। अच्छा एक लाइन दीजिए, एक लाइन बढ़ा लीजिएगा कि आईसीआई बैंक का चेक है और डिपॉजिट कहाँ हो रहा है, कोटक में, यानी किस बैंक में इफेक्ट पड़ेगा, कोटक पे, और यहाँ पे बैंक नेम में आइएगा तो स्पेस बटन दबा के स्पेसिफाई बैंक नेम में डाल दीजिएगा क्या, आईसीआईसीआई, दोनों काम हो गया, किस बैंक का चेक था ये भी और किस बैंक में डिपॉजिट हुआ ये भी, दोनों बार जिक्र हो गया, बात खत्म हो गई, समझ में बात ना, मैंने कहा था ये बात, किस बैंक का चेक होता है इससे फर्क नहीं पड़ता है, किस बैंक में डिपॉजिट हुआ इससे मतलब है, तो क्वेश्चन में एक लाइन बढ़ा सकते हैं आप लोग कि आईसीआई बैंक का चेक था लेकिन कहाँ डिपॉजिट हुआ, लिखिएगा डिपॉजिट इनटू कोटक महिंद्रा बैंक, लिख लीजिए, लाइन बढ़ा लीजिए, आपको इसमें थोड़ा बढ़ा लीजिए, थोड़ा सा डिपॉजिट इनटू कोटक महिंद्रा बैंक बढ़ा लीजिए, उसके बाद।